एक बार बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो गया। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की आजादी में और देश की आजादी के बाद भी भारत को कई संकटों से उबारा है। आज यानी 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के वाराणसी से 7 मील मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके जाकर रहने लगी। लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जून 1964 में शास्त्री जी देश के पीएम बने। उससे पहले देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके थे। चलिए आज आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में 15 रोचक बातें बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नाम जन्म के वक्त कुछ और था। उनका नाम लाल बहादुर वर्मा रखा गया था। जब उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ से स्नातक किया तो उन्हें शास्त्री का शीर्षक दिया गया था। गांधी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की वजह से शास्त्री जी जेल गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिए गए क्योंकि उनकी उम्र महज उस वक्त 17 साल थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि वो अभी नाबालिग हैं। देश की आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया था। शास्त्री ने इसके बाद सार्वजनिक परिवहन में महिला चालकों और कंडक्टर्स के प्रावधान की शुरुआत की थी। शास्त्री जी दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपनी शादी पर दहेज के नाम पर महज खादी का कपड़ा और कताई चक्र ही लिया था। पुलिस मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शास्त्री जी ने लाठीचार्ज को खत्म करने का निर्देश दिया था और इसकी जगह उन्होंने पानी छिड़कने का नियम पेश किया था। शास्त्री जी ने दांडी मार्च में भी हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें 2 सालों तक जेल में रखा गया। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार रोकथाम पर पहली समिति की शुरुआत की थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे पीएम बने। शास्त्री जी ने दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान व्हाइट क्रांति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने आनंद गुजरात में स्थित अमूल दूध सहकारी का समर्थन किया और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी बनाया। शास्त्री जी ने हरित क्रांति के विचार को बढ़ावा देने और भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। शास्त्री जी ने 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया। गांधी और नेहरू से प्रेरित उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कठिन दौर के दौरान देश का नेतृत्व भी किया। जनवरी 1966 को शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1967 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ, लेकिन उनके चिकित्सक डॉक्टर R.N. चुग के अनुसार शास्त्री जी को पहले कार्डियक कमजोरी का कोई संकेत नहीं था। उनकी मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। निधन के बाद जब शास्त्री जी का शव दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया था तो उनके परिवार वाले भी नहीं पहचान पाए थे। वो उनका शव देखकर काफी डर गए थे। काफी वर्षों बाद शास्त्री जी की मौत पर आधिकारिक स्पष्टीकरण आया, जिसमें कहा गया कि उनके पेट में कोई गंभीर बीमारी थी। गर्दन पर किसी भी चीरे का अस्तित्व नहीं था, जबकि शास्त्री जी के परिवार वालों का कहना था कि उनके शव पर गर्दन में गहरा कट जैसा लगा हुआ था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।